हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने लिया है उबले हुए चने। चने को हमने अच्छे से उबाल लिया था, तो आज हम बनाएंगे उबले हुए चने और उबले हुए आलू के मिक्स पकोड़े। अब बहुत ही टेस्टी बनते हैं चने और आलू के पकोड़े। तो चने को हम एक बर्तन में ले लेंगे और उसे हम मैश कर लेंगे मैसर से। तो ये देखिए, मैसर से चना बहुत थोड़ा सा दरदरा हो रहा था, तो ये जो खलन लिए इसमें हम अदरक कूटते हैं तो उसको थोड़ा भारी है, तो उससे चनों को आप मैश करेंगे तो देखिए बहुत ही जल्दी महीन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैश हो चुका है चना। आप चाहे तो मिक्सी में पीस सकते हैं चना, पर हम इसको ऐसे ही मैश कर दिए हैं। तो ये देखिए चना हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए मैश हो चुका है। तो इतना ही आपको भी मैश कर लेना है। तो इसे हम ढक देंगे, तो 5 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब आप चना मैश करते हो तो उसे ढक दे ताकि वो टाइट ना हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो सूखा ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें हम मिलाएंगे उबले हुए आलू। तो देखिए आलूओं को हमने उबाल लिया था, तो उसे हम मैश कर लेंगे। उबले हुए आलू डालकर बनाए बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सभी आलूओं को हम मैश कर लेते हैं। तो देखिए आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर दिया है मैशर से, तो अच्छे से निकाल देंगे। देखिए आलू और चना सब अच्छे से मैश हो चुका है। तो अब इसमें हम मिला देंगे बारीक कटा हुआ, ये हमने 2 प्याज काट लिया था बारीक बारीक, तो उसे हम डाल देते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है पकौड़े में। आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं, तो हमने अजवाइन डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। हमने हरी मिर्च नहीं काटा है, हम लाल मिर्च पाउडर का ही यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो हरी मिर्च भी काट सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे चावल का आटा ताकि पकौड़े क्रिस्पी बने। तो जितना आलू और चना आप लेंगे उसके हिसाब से आपको चावल का आटा लेना है। हम बेसन अभी नहीं डालेंगे, जब पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम बेसन का यूज करेंगे। आप चाहे तो एक साथ भी बेसन और चावल का आटा मिला सकते हैं, पर हम अभी बेसन नहीं डालेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेना। पानी का यूज अभी आपको नहीं करना है इसमें, जब ज़रूरत पड़ेगा तभी आपको यूज करना है, क्योंकि आलू और चना में ज़्यादा पानी यूज नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। बटर गीला नहीं है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे पकौड़े बनेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं नमक भी हमने अच्छे से मिला दिया है। आपको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि इसमें चना उबला हुआ डला है वो दरदरा होता है, अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा जब आप तलेंगे तो वो निकलने लगेगा। तो हमने 5 मिनट के लिए ढक दिया था, 5 मिनट बाद हम आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने आपको कहा कि बेसन हम बाद में मिला रहे हैं। आप चाहे तो एक साथ भी चावल का आटा और बेसन एक साथ ऐड कर सकते हैं, पर हम इसके बाद ऐड करेंगे। तो इसमें हमने बेसन 1.5 चम्मच के करीब यूज किया है, तो हिसाब से आप बेसन डालें। तो अब इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। पानी आपको अभी नहीं डालना है, जब ज़रूरत पड़ेगा तभी आपको डालना, क्योंकि हमें गीला नहीं करना है बैटर को। तो
ये देख सकते हैं हमने सूखा बेसन ऊपर से डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से थोड़ा सा पानी का यूज हुआ है, करीब एक चम्मच। तो हम इसको ढक देते हैं, 5 मिनट बाद हम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों 5 मिनट बाद हम आपको दिखा देते हैं। और इधर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी, तो उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पकौड़े अगर आप डालेंगे तो वो जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम चेक कर रहे हैं, ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम पर है गर्म। इसे हम टिक्की के शेप में बना रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट छोटे छोटे पकौड़े भी बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने छोटे छोटे टिक्की के शेप का बना रहे हैं। आपको जैसा भी पसंद हो आप वैसा पकौड़े बनाकर बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, हम ऐसे ही टिक्की के शेप के पकौड़े बना देंगे। गैस की फ्लेम ज़्यादा तेज ना हो तो सही पकोड़े बनाकर डाल देते हैं। तो हमने सही पकोड़े डाल दिए हैं, तो चेक कर लेते हैं हम, पलट देंगे। तो देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो गैस की फ्लेम तेज रहे। तो इसको चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है पकोड़ों को। तो ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये देखिए। तो हम निकाल देते हैं, ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करें। तो रेडी हो चुका है ये पकौड़ा, तो इसे हम निकाल देते हैं। देख सकते हैं आप कितना टेस्टी पकौड़ा बना है, देखने में कितना अच्छा, तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो सभी पकौड़े को हमने निकाल दिया, तो जो और बचे हैं उन्हें भी हम डाल देते हैं। जितना कढ़ाई में है उतना आप डालें, एक्स्ट्रा ना डालें, नहीं तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो हमने डाल दिया, तो सभी पकौड़े को हमने फ्राई कर चुके हैं। हम आपको दिखा देते हैं पास से, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बने हैं उबले हुए आलू और चने के। तो हम आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं हम कितने टेस्टी बने हैं। तो इसे अब हम इस टोकरी में रख देते हैं, पेपर लगा के रखें, जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है उबले हुए आलू और चने के टेस्टी पकौड़े और तीखी चटनी के साथ। हमने इधर धनिया और मिर्ची दो रख दिए हैं गार्निश के लिए। हम आपको पास से भी दिखा देते हैं, तो ये देखिए हमने तीखी चटनी भी लिया है, टोमेटो सॉस भी आप ले सकते हैं या इमली का चटपटा चटनी भी ले सकते हैं आप। तो आपको जैसा पसंद है आप वैसा खा सकते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए उबले हुए आलू और चने के टेस्टी पकौड़े, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह पकौड़े कैसे लगे। तो हम आपके लिए और भी रेसिपी लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप भी बनाइए टेस्टी चने और आलू के पकौड़े और खाइए गर्मा गर्म। आप भी खाइए और अपने परिवार को भी बनाकर खिलाइए।